गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। सो गाइस, आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगी और मैं शूट की हूं, तो एक दो रेसिपी भी मैं बनाऊंगी। सॉरी, रेसिपी तो दो बनाऊंगी, एक चिकन का बनाऊंगी और दूसरा बनाऊंगी मैं कद्दू यानी लौकी का पकौड़ा। अब ज़रूर देखिएगा, तो मैं आज लौकी का पकौड़ा बनाऊंगी और चिकन फ्राई बनाऊंगी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को आज मैं शेयर करूँगा। आप लोगों से बहुत दिन बाद मैं आज रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। और आज भी मैं बस छोटा सा ही ब्लॉग बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं और ज़्यादा कुछ की नहीं मैं आज बस। तो बहुत दिन बाद मैं बना रही हूँ आज ब्लॉग, की तबीयत बीच मेरी काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बेहतर हूँ पहले से। थोड़ा एनर्जी आया है, आपको मेरे फिर से पता चलेगा कि मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब तो कैसा हो गया है, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो मैं आज भी बना रही हूँ, थोड़ा सा जो रेसिपी डाली हूँ आप ज़रूर देखिएगा। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरी ब्लॉग या छोटी सी ब्लॉग अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भाई बहन ना किया वो सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी ये ब्लॉग, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। कुछ कमी हो तो भी शेयर, मतलब आप कमेंट्स करें ताकि मैं उसको सुधारूँ, उसको बेहतर करने की कोशिश करूं। सो गाइस, चलिए किचन में चलते हैं और चिकन फ्राई मैं कैसे बनाती हूँ, ये न्यू रेसिपी है मेरी और उसका रेसिपी मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए मैं चिकन फ्राई बनाती हूँ, किचन में चलते हैं। यहाँ मैंने चिकन ले लिया है, तकरीबन 1 kg है मेरा चिकन यहाँ पे। तो मैं अच्छा से सुबह ही उसको मैं धो दी थी, सारा पानी इसका दम ड्राई है, इसका चिकन मेरा ड्राई है। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 teaspoon, लहसुन पेस्ट 1 teaspoon, अदरक पेस्ट 2 teaspoon। मेरे पास ये 400 ग्राम दही है, मैं दही ऐड कर दूँ सर इसमें, 400 ग्राम दही ऐड कर दूँ मैं इसमें। और यहाँ मैं तकरीबन इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon, 2 teaspoon, 2 teaspoon से मैं काली मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ। उसको अच्छी तरह से मैं सबको मिक्स कर दूंगी और आधा घंटा के लिए मैं इसको मैरिनेट करके रख दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स हो गया सारा, आधा घंटा इसको मैं छोड़ दूंगी ताकि अच्छा से चिकन के अंदर भी जाए फ्लेवर और चिकन मेरा थोड़ा जूसी बन जाए। आधा घंटा बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे फ्राई करती हूँ। तो गाइस, आधा घंटा हो चुका है, अब मेरा मैं कढ़ाई ली हूँ, गैस मेरा ऑन कर दी मैं और इसको मैं कर रही हूँ अपने से डालू रिफाइंड ऑयल। तेल अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इसमें लगभग 4 teaspoon तेल ऐड करी हूँ और तेल मेरा गरम हो गया है। अब इसमें मैं सारा चिकन ऐड कर देती हूँ। सारा इसमें ऐड कर दी हूँ मैं, आँच पर मैं टेस्ट कर देती हूँ गैस की फ्लेम, इसको थोड़ा मैं ऊपर नीचे कर देती हूँ। इसको बिना ढके मैं इसको पकाऊंगी, इसे अच्छे से पानी रखना जाए। मेरा बॉयल हो रहा है,
तो एक साइड ये पकेगा मेरा, तो मैं अपना पकौड़ा बनाऊंगी। पकौड़ा के लिए रेडी कर देती हूँ मैं अपना। आप देख सकते हैं एक बार इसको मैं दिखा चला के दिखा दी आपको, तो इसका पानी सकेगा। इस तरह से मैं हाई फ्लेम में पका रही हूँ, पानी इसका सका दिया अच्छे से। तब तक ये अपना थोड़ा सा ढक देती हूँ और मैं आप पकौड़ा के लिए तैयारी करती हूँ। यहाँ मेरा चिकन तैयार बन रहा है, तब तक मैं ली हूँ कद्दू। मेरे पास कद्दू है जिसको हम लोग लौकी बोलते हैं। आज मैं लौकी का पकौड़ा बनाऊंगी। तो लौकी का आपका सबसे पहले मैं लौकी को छील लेती हूँ। उसका जो छिलका है मैं पीलर से उसको पीस कर देती हूँ। यहाँ मैं लौकी को छील चुकी हूँ, अब मैं इसको इस टाइप से कट करती हूँ। मैं इसको कट की हूँ, इसको मैं साइड में रखती हूँ। यहाँ मैं ली हूँ, उसमें दे रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक 1 टीस्पून जो है साबुत जीरा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी बेसन। अब ये मेरा रेडी हो गया बैटर, बैटर में एक्स्ट्रा डाल रही हूँ उसको मैं। और ये मेरा लौकी का पकौड़ा बनेगा। उधर मेरा चिकन फ्राई रेडी हो रहा है, इधर मैं लौकी का पकौड़ा बना रही हूँ। ग्यारह बदमाशी कर रही हूँ। ये हो गया मेरा, चला गया तेल के अंदर। यम्मी यम्मी सा मेरा लौकी का पकौड़ा। तो उसे मैं डीप फ्राई करती हूँ, फ्राई करके निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा पकौड़ा बिल्कुल रेडी है, आपको मैं दिखा रही हूँ लजीज से पकौड़ा मेरा। हाँ, खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। बाकी पकौड़ा भी मैं तल लेती हूँ इसी तरह से। देख सकते हैं चिकन मेरा बिल्कुल रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, चिकन फ्राई बिल्कुल रेडी है मेरा। सारा तेल का पानी सक चुका है और तेल जो है मेरा आ चुका है साइड में, देख सकते हैं। फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। गाइस, मेरा वाटरमेलन भी कट गया। मेरा वाटरमेलन बॉल ऐसे मैं इसमें टूथपिक ऐड की हूँ, तो टूथपिक दे दूँ इस तरह से, इसे खाया जाएगा। ये आपको मैं नज़दीक से दिखा दूँ। देख सकते हैं मेरा वाटरमेलन बॉला। आइए मैं आपको चिकन भी दिखाती हूँ। चिकन फ्राई भी मेरा रेडी हो चुका है। ये मेरा है चिकन फ्राई। अब ये गर्मा गर्म रोटी से। सो गाइस, हम लोग का इफ्तार बिल्कुल रेडी है। अभी 6:15 हो रहा है, अभी 15 मिनट टाइम है।
तो गाइज आज का अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे, चिकन की रेसिपी जो मैं आप डाली हूँ आज बनाई हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और तरबूज का जो मैं वो गोला बनाई हूँ वो भी देखिएगा, बहुत ही नया तरीका से बनाई हूँ। नया तरीका तो नहीं है बट अच्छा है, गोला है, बच्चों को पसंद आता है। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अब इफ्तार का टाइम होगा, फिर हम लोग बैठेंगे इफ्तार करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे शामिल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।